कुत्ता पालते हैं, लोग बिल्ली पालते हैं, लोग कबूतर भी तोता भी पाल लेते हैं। हमने घर तक पहुंचा रहे हो? चलो बढ़िया। घूमते पता चला यार कि उस साइड को जाना इट्स नॉट एक दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे कई लोगों को खुले में टट्टी करने की आदत। So, hi guys, welcome back to the channel again. Here I am, Scuttle. But टोपी ओपी डाल लिए, कपड़े वपड़े पहन लिए, शाम का टाइम है, घूमने जा रहा हूँ। जस्ट थोड़ा कपड़े सुखाए थे ना नहाए के, तो उसको लेके आते हैं पहले, फिर चलते हैं। ओहो, कुछ एक मधुमक्खियाँ पहरा दे रही हैं, उड़ रही हैं। ओहो, अभी तो उठ रही हैं, धूप आ गई ना, अभी भीन भिनाट पड़ रहा है इनका, तो ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएंगे इनके फिलहाल। ये देखो कैसे दिख रही हैं। लोग कुत्ता पालते हैं, लोग बिल्ली पालते हैं, लोग कबूतर भी तोता भी पाल लेते हैं। हमने पाल लगी है मधुमक्खियाँ भाई। पता कुत्तों का कबीर सिंह है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है यहाँ पे, ना हिलता है ना डुलता है, लगता है ब्रेकअप हुआ इसका तगड़ा। आज आप सबको ले आता हूँ मैं कोसी रिवर के पास में, पास से देखते हैं इसे, ये रास्ता जाता है फिलहाल यहाँ से शॉर्टकट। वो इतनी बड़ी बड़ी सिल्लियाँ यहाँ पे ला के रख रखी है जस्ट टू सेफ्टी, ये वॉल की सेफ्टी, जो लोगों ने घर बनाया यहाँ पे। कितना खतरनाक नज़ारा है यहाँ से, ये देखो भाई क्या दिखती है यार कोसी यहाँ से। और जब बाढ़ आती है ना तो भाई ये अपने आप ही निकल जाता है भाई, ये क्यूब कुछ भी नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी जस्ट जिनके ऊपर चल रहा हूँ भाई, एक बहुत बड़ा है, अच्छे खासा पूरा सीमेंटेड है, और बाढ़ इसे भी, पानी इसे भी बहा के ले आता है, क्या चीज़ होती है ना पानी। ये देखो ये सारा बारिश के बाढ़ में ही तो आ रखा है भाई, पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है, जितने घर है साइड के। आजकल मेरे ख्याल से यहाँ पे काम दोबारा चालू हो गया, देखो ये नए सीमेंटेड बना रखे हैं ये एरिया में पूरा, मुझे लगता नहीं था करके कि ये बन इतनी जल्दी हो जाएगा शुरू, लेकिन कर दिया इन्होंने 18 अक्टूबर के बाद। ये सारा प्रभावित हो गया होगा ना, ये एरिया बना रहे हैं, कुछ पाइपलाइन बिछा रखे हैं, क्योंकि पाइपलाइन पूरी ठप हो गई थी और एक हफ्ते तक पानी नहीं आया था हमारे घरों में बाढ़ के बाद, तो मतलब जल्द से जल्द ये काम शुरू करवा ही दिया इन्होंने। वैसे ये एरिया हमारे घर के काफ़ी नज़दीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे आने का मन करता नहीं है भाई, और जब हम आते हैं तो भाई दिल खुश हो जाता है। मतलब साल में आता हूँ मैं कभी एक दो बार, इतनी पास है, मतलब 100 मीटर के दायरे के अंदर भी नहीं आता हमारे घर से ये। वो अंकल जी कोसी रिवर क्रॉस कर रहे हैं, पानी का बहाव अच्छा खासा है भाई, मेरी हिम्मत तो नहीं होगी इतने तेज बहाव में मैं जाऊं, लेकिन उन्हें आदत है, वो रेता निकालते हैं ना वहाँ से, और एक कट्टा रेता वो बेचते हैं लगभग वहाँ पे, निकाल भी रहा हो बंदा, एक कट्टा रेता बिकता है इनका वही 50-60 रुपये में। और भाई वहाँ से ना आंटी जी एक लकड़ी का गट्ठा लेके आ रही है भाई, इतने बड़े बहाव में मानना पड़ेगा, वहाँ पे पेड़ आ रखे थे ना बाढ़ में बक्के, तो उसी से लकड़ियाँ बनाते हैं और ले आते हैं अपने घर को रात को जलाने के लिए। ये दो बंदे भी आ गए भाई रेता निकाल के, अभी वापस इसी पानी के थ्रू आएंगे, देखना है। ये देखो कैसे आते हैं, इनकी भी मेहनत है यार अपने आप में। और ये देखो कोसी रिवर के पास पास कितने घर बनाए गए, आ गए भाई। अंकल जी क्या रुपए चल रहा है रेता आजकल? 30। अच्छा, मतलब घर तक पहुंचा रहे हो या फिर क्या है? घर तक पहुंचा रहे हो, चलो बढ़िया है। मैंने आप सभी को गलती से ज़्यादा रेट बता दिए थे, लेकिन रेट उनके हल्के हैं भाई, आधे रेट हैं उसके जो मैंने सोचे थे उसके, 25 कह रहा कोई 30 कह रहा, तो भाई सही है, अच्छा है भाई, मेहनत तो कर रहे हैं हमारे, घर तक डिलीवर भी करके जाएंगे भाई आपके, हो अगर आपका मकान अकान बन रहा है लोकल में कहीं, तो मानना पड़ेगा यार, मेहनत तो कर रहे हैं बंदे। एक दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे कई लोगों को खुले में टट्टी करने की आदत होती है ना, जगह जगह पे शिट पड़ी हुई दिख जा रही है। आइए, सीमेंट का भमचा दिख रहा है, वो सीमेंट का भमचा दिख रहा है, ये जस्ट कोने में लगे रहते हैं, बाढ़ इनको अपने साथ बहा के ले आई इधर को। देखो भाई अंदाजा लगा सकते हो कितना फोर्स क्रिएट करा होगा, इतने सारे पत्थर देख रहे हो बड़े बड़े भाई तुम अपने आप में यार, भाई काफ़ी खतरनाक बात होती है यार साबित। ओए रेता फिसल रहा है भाई, रेता धस रहा है भाई, गिरते गिरते बचा भी। पहले था ऐसा, मतलब पहले कोसी का बहाव बीचों बीच में था, अब साइड में आ गया, तो उधर जाना मेरे लिए तो संभव हो नहीं पा रहा यार, वरना हम इस ये रास्ता जा रहा था, इस एरिया से जाते थे, वो बाढ़ के बाद से प्रभावित हो गया ना, तो अब उधर जाना ईजी नहीं है भाई, पानी है बीच में, पानी को क्रॉस करना पड़ेगा तब जाओगे, तो आगे से ही देखना पड़ेगा कहीं से। तब तक आप लोग हमारे सस्ते सिनेमैटिक्स इन्जॉय कर सकते हैं। काया का है भाग भाग बिन पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता। इस काया का है भाग भाग बिन पाया नहीं जाता, कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता, कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता।
कहे सतनाम जगिए, कहे सतनाम जगिए, झूठा जमेला झूठा जमेला, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला। तो अभी घूमते घूमते पता चला कि इसके बीचों बीच में जाना यार थोड़ा भिगाने वाला काम है, मतलब मैं मेरा इतना इतना हिस्सा भीग जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ यार जाऊँ नहीं जाऊँ वाला हिसाब है। बीचों बीच में वैसे पेड़ वेड़ अच्छे खासे लोग जा रखे, लेकिन वो गए कहाँ से, पहले वो वे फाउंड करते हैं और फिर चलते हैं। सामने ना यहाँ का बैराज है और शाम होने लग गई है, जैसे जैसे शाम हो रही है दिन भर धूप में मतलब ये लोग वहाँ से लकड़ी बनाते हैं और शाम के टाइम पे अपने अपने घर को जाना शुरू कर देते हैं। तो अब एक एक गट्ठा लेके ये रिवर को क्रॉस करके अपने अपने घरों को जा रहे हैं लोग। वैसे असली में टाइम उतना ज़्यादा हो नहीं रखा, टाइम हो रखा है वैसे 3:50, वैसे घूमने जाने वालों का टाइम यही है, लेकिन ये जो अभी काम कर रहे हैं ना जाड़े में करना ठीक नहीं है, क्योंकि यार पता है तुम्हें पानी है और आजकल दिन जाड़ों के हैं। तो दोपहर में नौ लकड़ी बनाई, अब रिवर क्रॉस करके अपने घर को जा रहे हैं। सो अभी जस्ट मेरे सामने भोलेनाथ का एक टेंपल है और ये इकलौता टेंपल है इस एरिए में, पूरे रिवर साइड में इतने एरिए में, पंपापुरी भरतपुरी दुर्गापुरी के, क्योंकि आपको पता ही है यार भोलेनाथ को डिजास्टर ऑफ गॉड माना जाता है, जो भी प्रलय आते हैं माना जाता करके कि भोलेनाथ के हाथ में रहता है। तो भोलेनाथ का टेंपल ऐसी जगहों पर बनाना इट्स मस्ट। तो हमारे भोलेनाथ सामने है, बेसिकली जैसे कि रिवर साइड में हर कोई मंदिर होता है उसको मनाने की मान्यता यही रहती है कि हे ईश्वर किसी भी प्रकार की आपदा से हमारी सुरक्षा करना, तो उसी को मान्य रखते हुए उसी को महत्व देते हुए इस मंदिर का भी निर्माण किया गया है और कई हद तक ये मंदिर बचाता भी है लोगों को। हाँ, कुछ हद तक भगवान ने काफ़ी रक्षा भी करी है लोगों की, यहाँ के जो लोकल्स हैं वो काफ़ी मानते हैं, वो अक्सर आते भी हैं भगवान की पूजा करने भोलेनाथ की, ताकि हमारे घर हमारे मकान पर किसी प्रकार की आँच ना आए, वो जितने भी प्रलय है भगवान आप हमसे दूर रखें। क्योंकि यार इसका मेन कारण ये है ना, मकान बिल्कुल रिवर से चिपके हुए हैं, बिल्कुल सटे हुए हैं भाई, ये देखो ये है ना भाई, देख रहे हो आप, ज़्यादा दूर थोड़ा ना भाई, वहाँ तक आता है पानी, लोग एक बार नहीं लोग 3-4 प्रभावित हो चुके हैं उससे। सो गाइस पत्थरों के ऊपर डोलते डोलते टाइम कब गुजर गया पता ही नहीं चला, कूद मारा था ना एक बड़े बोल्डर के ऊपर से दूसरे बड़े बोल्डर के ऊपर, मतलब बोला भी नहीं जा रहा है क्या यार, कॉम्प्लिकेटेड शब्द हो गए ये, तो फिलहाल भी बैठ रखा हूँ आराम कर रहा हूँ एक बड़े से बोल्डर के ऊपर। तो ये है भाई कोसी रिवर अपनी साइड की, मैंने दिखा दिया आपको, अब सोचता हूँ घर ही चलूँ वापस, क्या करें अब यहाँ पे। मैंने सोचा ऊपर साइड के जंगल तो काफ़ी ज़्यादा दिखा दिया आपको, मतलब अपने एरिया का कॉर्बेट का एरिया, अभी भी पूरा एक्सप्लोर करा नहीं, अभी उस साइड का कॉर्बेट करा नहीं, मैंने बोला इसी चीज़ को दिखा लेते हैं, सबसे पास भी यही था। सो फाइनली घूम फिर के आ गए घर, और जस्ट अब घर आने के बाद वैसे मैंने खा लिया ये चीज़ें, मुझे भूख लग रही थी, मैगी बनाई, मैगी खा ली है मैंने तो, और देखते ही देखते ही मुझे लगा हमारे ब्लॉग ने अपनी टाइम लिमिट भी रीच कर ली है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं इस कटल पर इजाज़त चाहूँगा, बाय।